अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम का जो होता है ट्रेकिया, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इस ट्रेकिया को हम दूसरे नाम से भी याद करते हैं, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप। मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स के बाद ये कंटिन्यूअस होता है ट्रेकिया, उसके बाद कंटिन्यूअस हो जाता है, वहां से स्टार्ट लैरिंग्स के बाद आ जाता है यही वाला ऑर्गन ट्रेकिया, किसके बाद? लैरिंग्स के बाद, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसका जो एक्सटेंशन होता है, जिस तरह से मैंने आपको कल बताया, जो लैरिंक्स होता था, लैरिंक्स को मैंने बोला था वो सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रीटक होता था। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि जो वर्टिबल कॉलम होता है, वर्टिबल कॉलम में जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो 7 होती है। थोरेसिक कितने होती है? वो होती है 12। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में जो लैरिंक्स होता है वो सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री तक उसका एक्सटेंशन होता है। उसके बाद जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, थोरेसिक वर्टिब्री में किसका एक्सटेंशन होता है? ट्रेकिया का। तो दैट मीन्स सिक्स्थ वर्टिब्री से लेकर फिर फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वहां तक इसका एक्सटेंशन होता है। वहां तक इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो वहां पे इसको क्या होता है? वहां पे इसको डिवीजन फिर होता है, फिर इसको वहां पे डिवीजन होता है। वायर इट डिवाइड्स एट द कार्निया, कार्नी दैट मीन्स कार्नी जो होती है, कार्नी सिंपली एक क्या होती है? ये एक रिज होती है। इट इज अ रिज। इट इज अ सेपरेटिंग पॉइंट, इट इज अ मीटिंग पॉइंट, जहां पे दो चीजें अलग अलग होती हैं, उसको हम एनेटॉमी में क्या कहते हैं? कार्ना उसको कहेंगे। ठीक है, कार्ना जो होता है, कैरिना जिसको हम बोलते हैं प्रोनंसिएशन में, कैरिना जो होती है ये इट इज अ रिज जो सेपरेट करता है राइट लंग और लेफ्ट लंग को। ठीक है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस को ये क्या करता है? सेपरेट करता है। तो ये कहां पे मौजूद होता है? इसका जो ये कैरिना जो होता है ये पॉइंट मौजूद होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे, जहां पे ये फिर ट्रेकिया का फर्दर डिवीजन होता है लेफ्ट राइट प्राइमरी ब्रोंकस में और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस और देयर फॉर्मड। अगेन आई एम टेलिंग दैट इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स, ट्रेकिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स एंड इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स टू अबाउट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वियर इट डिवाइड्स एट द कैरिना इंटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस। अगेन द कैरिना इज अ पॉइंट, इट इज अ रिज विच सेपरेट्स द राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ओके, कैरिना आपको हो गया क्लियर, सिंपली इट इज अ रिज फ्रॉम ब्रोंकस। ब्रोंकस दो होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? लेफ्ट और राइट ब्रोंकस के बाद ये कहां पे चला जाता है? फिर ये चला जाता है राइट या लेफ्ट जो ब्रोंकस होता है वो हर एक लंग में चला जाता है। वी हैव टू लंग्स, ह्यूमन बॉडी पोजेसेस हाउ मेनी लंग्स? टू लंग्स। तो फिर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है फर्दर एक्सटेंशन इसको कहां तक होता है? फिर ईच लंग में, राइट एंड लेफ्ट लंग में। तो जो इसकी लेंथ होती है, किसकी लेंथ होती है? इस ट्रेकिया की, इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? इट्स लेंथ इज अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर। इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसके बाद जो ये लाई करता है, इसकी पोजिशन जो होती है, इट लाइज मेनली इन द मीडियन प्लेन। मीडियन मीन्स द मिडल प्लेन। जो ये ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में जो क्या होता है, अगर हम इस बॉडी लेंगे, बॉडी का जो बीच वाला हिस्सा होता है, अगर हम इसको ये फॉर एग्जांपल बॉडी है किसी बंदे की, तो जो ये बीच में होता है, बीच में एरिया, इसी में लाई कौन करता है? इसी में लाई करता है ट्रेकिया। दैट मीन्स इट लाइज मेनली इन द मीडियन प्लेन इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ फूड पाइप। जो फूड पाइप है, फूड पाइप के आगे कौन सी पाइप होती है? विंड पाइप। रिमेंबर दिस पॉइंट, ट्रेकिया
also called as windpipe, remains, it is a universal truth that it remains always in front of what? Esophagus. ये मौजूद होती हैं esophagus के आगे, ठीक है? उसके बाद इसकी structure की बात की जाए, किसकी structure की बात की जाए? Trachea की. Trachea या windpipe जो होती हैं, it is composed of mainly three layers. Trachea is mainly composed of how many layers? Three layers. One is three layers, मगर जो तीन layers होते हैं वो tissue के होते हैं. किसके? Tissue के. Trachea is composed of three layers of tissue, जो ओपन हो जाते हैं, जो खुल जाते हैं. या ये किन के दरमियान होती है? जो हमारे पास कार्टिलेजेस होती हैं, कार्टिलेजेस वो रिंग शेप्ड होती हैं. क्योंकि आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा स्ट्रक्चर. अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे ट्रेकिया की स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली, लेट मी शो यू. तो ये इस तरह से रिंग शेप्ड होता है, ठीक है? मगर ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है, इनकम्प्लीट रिंग होती है. और जो रिंग्स होती हैं वो होती हैं 16 से लेकर 20 रिंग्स होती हैं. कितनी होती हैं? 16 से 20. और ये शीश शेप्ड होती हैं.